नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे शिष्यगण हैं, उन्होंने कई बार मुझसे एक सवाल पूछा कि गुरुजी, किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? क्या हम अपनी आंखों से किसी को सम्मोहित कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो गुरुजी इस पर एक वीडियो जरूर बनाएं। तो दोस्तों, आज उन शिष्य गणों की इच्छा के अनुसार यह वीडियो बनाया गया है। आज हम आपको यह बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, अपनी आंखों से आप कैसे उसको हिप्नोटाइज करेंगे कि आपकी आंखों में देखते ही देखते वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, आपके अधीन हो जाएगा, उसकी बुद्धि आपके वश में हो जाएगी और आप जैसा कहेंगे वह वैसा ही करने लगेगा। दोस्तों, विधि तो बहुत ही सरल है कि सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि आज तक इससे सरल विधि आपने कभी सुनी ही नहीं है। लेकिन जो लोग धैर्य पूर्वक एक लंबे समय तक इसका प्रयोग करते रहें, इस विधि का अनुसरण करते रहें, तो वह इस चीज में सफल हो जाएंगे कि आप जिसकी आंखों में अपनी आंखें डाल देंगे वह व्यक्ति तत्काल आपके वश में हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, जिससे भविष्य में आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त होते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और पूरा नहीं देखते। मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने बाल के बराबर भी स्किप कर दिया तो 10 महत्वपूर्ण बातें आप जंप कर गए, और जब आप महत्वपूर्ण बातों को स्किप कर गए, जंप कर गए, तो फिर आप उस विधि को पूर्ण कैसे कर पाएंगे? और जब विधि पूर्ण नहीं होगी तो आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाद में आप कहेंगे कि गुरुजी ने जो बताया था उसके अनुसार हमने कार्य किया लेकिन काम नहीं किया। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको 5 मिनट 10 मिनट पूरा देखें। दोस्तों, आप एक बार सोच लीजिए कि आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर आप 10 मिनट वीडियो को पूरा देखते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अभी मैंने आपको इस वीडियो में यह बोला है, उसके बावजूद कुछ लोग स्किप करेंगे। मैं लगभग हर वीडियो में यह बात बताता हूं कि आप वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, आज से आप लोग इस बात का ध्यान रखना और ध्यान से उस विधि को सुनिए जिससे आप सामने वाले को अपनी आंखों से सम्मोहित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने घर की एक दीवार चुननी है जिस दीवार पर कोई चीज टंगी ना हो और उस पर कोई गंदे संदे निशान न बने हो। आप पालथी मारकर एक आसन पर बैठ जाइए और जब आप बैठ जाएं तो आपके आंखों के सामने उस ऊंचाई पर दीवार पर एक सिंदूर का टीका लगा दीजिए और आप उस आसन पर बैठे बैठे उस टीके को गौर से देखिए। कमरा बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके आसपास कहीं कोई खटपट की आवाज आएगी तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, एकाग्रचित नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान एकाग्रचित करना है, मन के विचारों को शून्य रखना है और आपको अपनी आंखों को उस टीके पर टिका देना है, पलक नहीं झपकाना है। दोस्तों, याद रखना, जब आप इस विधि को प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है 10 सेकंड बाद ही आपकी पलक झपक जाए। थोड़ी देर बाद फिर प्रयास करेंगे तो हो सकता है 30 सेकंड तक
या एक मिनट तक भी आप अपनी पलकों को झपकने से रोक दें। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास निरंतर करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो आप काफ़ी लंबे समय तक अपनी पलकों को खुला रख पाएंगे। और जब आपकी पलक झपकना बंद हो जाए और आप लंबे समय तक उस टीके को देखने लग जाएं, तो समझिए कि अब आप हिप्नोटाइज करने की विधि में सफल हो रहे, आप उसके करीब पहुंच रहे। दोस्तों, धीरे धीरे काफी दिनों तक, मैं इसमें आपको निश्चित दिन नहीं बता सकता, कई लोग इस प्रक्रिया को 21 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, कई लोग इसको 41 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, और कई लोगों को इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि जब आप इसके नजदीक पहुंच जाएंगे, तो आपको यह पूर्ण आभास अपने अंदर होने लगेगा कि अब आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह विधि पूरी तरह सरल है कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक आसन पर बैठ जाना है, दीवार पर सिंदूर का टीका लगाना है, लेकिन इसमें केवल आपको अभ्यास निरंतर करना है, तभी आप किसी को हिप्नोटाइज कर पाएंगे। और अगर आपने अभ्यास निरंतर नहीं किया, तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और एक बात, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने मन में यह विचार कर लेना है कि गुरुदेव ने जो बताया है, हम उसमें 100% सफल हों। असफल होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता, शंका भी न करें। अगर आपके मन में पहला सवाल यह आया कि क्या किसी ने यह ऐसा करके देखा है, क्या किसी को लाभ मिला है, क्या गुरुजी ऐसा हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप प्रारंभ में ही निगेटिव हो गए हैं और आप इस हिप्नोटाइज करने के तरीके में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है और निरंतर इस विधि का अभ्यास करना है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस दिन से इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, एक बार मुझे गुरु मानकर अपने मन में आदर भाव से प्रणाम करें, मेरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको तुरंत ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। और अगर कोई समस्या है, तो आप 24 घंटे में किसी भी समय हमारे चैनल पर मैसेज करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर सिर्फ एक ही है जो स्क्रीन पर चलता है। किसी भी फर्जी मैसेज पर विश्वास न करें। अगर आपको कोई समाधान प्राप्त करना है, तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और तत्काल मुझसे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। जय श्री राम।